नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार, और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एलईडी लाइट लगाने में हो रहा पक्षपात, इंदिरा गांधी वार्ड निवासियों ने नगर निगम की जनसुनवाई में लगाया आरोप। पाटन रोड करमेता में स्थित वेयर हाउस में लगी भीषण आग, दमकल के आधा दर्जन वाहनों की मदद से दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अग्निकांड से गोदाम में रखी लाखों की सामग्री जलकर हुई खाक। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल का दो दिवसीय प्रवास पर जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान राज्यपाल मां नर्मदा के दर्शनों के लिए ग्वारी घाट पहुंचे और पुण्य सलिला मां रेवा का पूजन कर महाआरती भी की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का जबलपुर आगमन हुआ। मेडिकल ICMR सर्किट हाउस से रवाना होकर राज्यपाल नर्मदा तट ग्वारी घाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुण्य सलिला मां नर्मदा का पूजन किया और नर्मदा महाआरती में शामिल होकर महाआरती भी की। महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल के ग्वारीघाट आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। वहीं महाआरती में शामिल हुए राज्यपाल को नर्मदा महाआरती समिति और संतों के द्वारा मां नर्मदा का चित्र भी भेंट किया गया। शहरवासियों को धूल से राहत दिलाने के लिए नगर निगम एक नया प्रयोग करने वाला है। वाटर मिस्ट तकनीक के जरिए पानी की फुहार चलाई जाएगी ताकि धूल का प्रभाव कम किया जा सके। पहला प्रयोग मालवीय चौक पर किया गया, जिसमें उत्साहजनक नतीजे प्राप्त हुए हैं। धूल धूसरित शहर के नागरिकों को सड़क पर उड़ती धूल से राहत दिलाने के लिए नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा नवाचार किया जा रहा है। वाटर मिस्ट तकनीक का सहारा लेते हुए धूल पर काबू पाने कवायद की जा रही है। इसका पहला प्रयोग मालवीय चौक पर किया गया, जिसके परिणाम उत्साहित करने वाले हैं। नगर निगम के सहायक आयुक्त वेद प्रकाश ने बताया कि इस समय शहर में कई बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते चारों तरफ धूल उड़ रही है। लिहाजा इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए व्यस्ततम मार्गों और चौराहों पर वाटर मिस्ट तकनीक के जरिए धूल के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि वाटर मिस्ट सिस्टम की विशेषता ये है कि ये पानी को मिस्ट यानी महीन कणों में तोड़ देता है। इसकी बारीक बौछारें मशीन से महीन कण को अवशोषित कर लेती हैं। खास बात ये है कि इसमें लोग भीगते नहीं हैं, पानी भी कम लगता है। कोरोना की तीसरी लहर को नाकाम करने के लिए जागरूकता और सतर्कता जरूरी है, ताकि दोबारा ये मुसीबत कहर बनकर ना टूट पाए। इस संदेश के साथ समाजसेवी संस्थाओं ने एक बार फिर रोको टोको अभियान शुरू कर दिया है। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, बल्कि तीसरी लहर के रूप में इसकी दस्तक हो रही है, लिहाजा जागरूकता और सतर्कता जरूरी है। ये संदेश देते हुए हिंदू सेवा परिषद के सदस्यों ने नौधरा ब्रिज पर मास्क का वितरण किया और लोगों से मास्क लगाने की अपील की कि अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है उसको हमें हावी होने नहीं देना है और लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने नहीं देना है। हम सबको मिलजुल कर इस कोरोना से लड़ना है। इसी के तहत आज जागरूकता अभियान चलाया हिंदू सेवा परिषद ने और सभी को मास्क वितरण करके ओमिक्रॉन। हिंदू सेवा परिषद के सदस्यों का कहना है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करना और करवाना जरूरी है, तभी इस मुसीबत पर विजय मिल पाएगी, अन्यथा लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। आयुष विभाग द्वारा गढ़ा शाहनाला क्षेत्र में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मौसमी बीमारियों का चेकअप और दवाओं का मुफ्त वितरण किया गया। साथ ही चिकनगुनिया और डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए। आयुष विभाग के चिकित्सकों द्वारा समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर शहर के अलग अलग इलाकों में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गढ़ा शाहनाला क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया,
जिसमें 200 से ज्यादा लोगों ने शामिल होकर लाभ अर्जित किया। आज शाहनाला बस्ती में कैंप लगाया गया, होम्योपैथिक कैंप लगाया गया, जिसमें सर्दी खांसी मौसमी बुखार के मरीज आ रहे हैं, जिन्हें रोग प्रतिरोधक दवाइयां और उनके इलाज के लिए परामर्श दिए गए। शिविर के जरिए लोगों को कोविड, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया से बचाव के तरीके भी बताए गए और दवाओं का मुफ्त वितरण भी किया गया। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने राज्य शासन की उपेक्षा से त्रस्त होकर अब प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में उनके द्वारा संभागायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया है। आर्थिक और अनार्थिक मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने संभागायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। पेंशनर्स का कहना है कि उनके द्वारा राज्य सरकार से लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए ज्ञापन दिए गए और आंदोलन भी किए गए, लेकिन शासन के उपेक्षित रवैये से त्रस्त होकर अब उन्होंने अखिल भारतीय पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर प्रधानमंत्री के नाम पत्र सौंपा है। अब ये बात हमारे सिर पर जा चुकी है, माननीय शिवराज सिंह जी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। पूरे मध्य प्रदेश में 17 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के पेंशनर 2 घंटे का मौन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर 17 तारीख के पहले आपने कोई निर्णय ना लिया, आदेश हमारे डीए के जारी ना हुए, इसकी सारी जवाबदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार की। महिला उद्यमी योजना के तहत फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 76 लाख रुपए लोन लिए जाने की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जांच कर महिला समेत बैंक मैनेजर और अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दीप्ति विलियम्स नाम की महिला ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत कपड़ा उद्योग के लिए राइट टाउन स्थित ब्रांच के मैनेजर भूषण शुक्ला से सांठगांठ कर फर्जी प्रोपराइटर अहमद एंटरप्राइजेस के शैलेंद्र ठाकुर, उमेश चौरसिया, शिल्पी मिश्रा, नीलम वरकड़े और रवि सतपाल के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन लिया था, जिसकी शिकायत बैंक के मुख्य प्रबंधक विजय सिंह के द्वारा की गई थी। मझौली थाना क्षेत्र के इंद्राणा ग्राम निवासी एक महिला के द्वारा हिरण नदी के पुल से छलांग लगाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और गोताखोरों और होमगार्ड की मदद से महिला की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हालांकि महिला का पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि इंद्राणा निवासी रानी चक्रवर्ती का अपने पति अखिलेश से किसी बात पर विवाद हुआ था, उसके बाद से ही वो गायब हो गई, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी उनके पति के द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई थी। मंगलवार को पुल पर रानी के कपड़े और चप्पलें मिलने की सूचना पर पुलिस के द्वारा रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। बंद कमरों में बैठक लेकर पुलिस के आला अफसर थाना स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को महिला अपराधों को गंभीरता से लेकर उन पर कार्रवाई करने का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन कमरे से बाहर आते ही अधिकारी उन बातों को हवा में उड़ा देते हैं और पीड़ित महिलाओं और युवतियों की थाने में सुनवाई नहीं होती। इसका ताजा मामला रांची थाना क्षेत्र में देखने मिला, जहां पर पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के चलते एक छात्रा को अग्नि स्नान कर खुदकुशी का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। रांची थाना क्षेत्र के केवट मोहल्ले में रहने वाली एक छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में छात्रा गंभीर रूप से जल गई है और उसे उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने मोहल्ले के कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जो उसे परेशान कर रहे थे। पत्र में ये भी लिखा है कि वो इनसे परेशान होकर रांची थाने में शिकायत करने गई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा कानून की चौखट से सुरक्षा और मदद नहीं मिलने से हताश होकर लड़की ने खुद को आग लगा ली। बहरहाल इस घटना के बाद पुलिस का कहना है कि लड़की के बयान के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल अस्पताल पहुंचा, वहां पे मैंने डीडी कराने के लिए तहसीलदार महोदय को तलब फोन पर संपर्क किया, उनने आके मरणासन कथन लिए हैं। उसमें उसने लिखा है कि मेरे को 2-4 लोगों के नाम लिखे हैं उसमें, कि मेरे को परेशान करके ब्लैकमेल कर रहे थे, ऐसी जानकारी। कुछ गिरफ्तारी भी वगैरह अभी नहीं, अभी नहीं।
लोगों का कहना है कि इस घटना ने रांची पुलिस की कार्यप्रणाली को उजागर कर दिया है। वो महिला और युवतियों पर हो रहे अपराधों पर कितना संजीदा है। शीतलामाई बंबा देवी स्थित एक कच्चे मकान में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हालांकि गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। शीतलामाई बंबा देवी क्षेत्र में रहने वाले किशोर खत्री के घर में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि इस अग्नि दुर्घटना में किशोर की गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। छप्पर जल गया, गृहस्थी का सामान जला है, कूलर पंखा सोफे वगैरह इस तरह से उसका नुकसान हुआ। और आग 7:45 पर लगी थी और 9 बजे फायर वाहन वापस आया ऑफिस में लौट। आग लगने का कारण उन्होंने शॉर्ट सर्किट बताया हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।